भाजपा के काम ना आए बजरंगबली, ना काम आई पीएम की अनगिनत रैलियां। भाजपा ने जीतोड़ चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने रैलियां की, चुनाव प्रचार किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। यहां तक कि बजरंगबली भी कर्नाटक चुनावों का हिस्सा बने। इसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया है। आज कर्नाटक के लिए ऐतिहासिक दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई, रुझान भी सामने आने लगे। 10 मई को सूबे की 224 विधानसभा सीटों पर 72.82% लोगों ने वोट डाले। इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस 127, भाजपा 65 और जेडीएस 25 सीटों पर आगे पीछे चल रही है। वोटों की गिनती शुरू हुए 3 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब ऐसे में कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। अगर वोटों की गिनती के समय से ही देखें तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीजेपी 60 से 70 सीटों पर आगे पीछे चल रही है। देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस का भी हाल बताते चले तो जेडीएस तीसरे नंबर पर और काफी पीछे चल रही है। यानी जेडीएस अभी तक कहीं भी किंग मेकर की भूमिका में नजर नहीं आ रही है। फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात लगभग जरूर साफ हो गई है कि कर्नाटक की किंग मेकर कांग्रेस पार्टी बन रही है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। भाजपा और जेडीएस के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। धन्यवाद।